प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेबाबत तसेच आयुक्त तुकाराम मुंढेंच्या भूमिकेवर महापौर सुधाकर शिंदे यांनी नवी मुंबई आवाज सोबत सीधी बात मधून खास मुलाखत दिली आहे. प्रशासनाकडून आदेश जुमानले जात नसल्याने एक वेळ राजीनामा देण्याचा विचार आला, मात्र राजीनामा देऊन परिस्थिती बदलेल असे वाटत नाही, त्यामुळे तो विचार डोक्यातून काढून टाकल्याची स्पष्टोक्ती महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी नवी मुंबई आवाजला दिली. उसको यहां पर खतरे में आते हुए जब देखा मैंने, जब हमारे जो अधिकार है उस अधिकार पे गदा आने का जब मतलब यहां पर कोशिश हुआ, तब जाके हमने ऐसा प्रयास किया कि इसको कहीं ना कहीं रोका जाए. और तब जाके हमने या तो इस पद से रिजाइन देने का ठान लिया था, या तो फिर जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर अंधाधुंध काम कर रहा है, जो लोग प्रशासनिक प्रणाली को मानने का नाम नहीं ले रहा है, तो उसके खिलाफ या तो फिर यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाए. तो अविश्वास प्रस्ताव में लोगों ने अपनी पार्टियाँ छोड़कर अपने कॉरपोरेटर एक साथ मिलकर यहाँ पर 106 लोगों ने उसके खिलाफ यहाँ पर वोट किया. और इतकंच नाही तर राज्य सरकारची वेगळी चाल आहे, जिथे आयुक्त तुकाराम मुंढेंच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण खेळले जात असल्याचा गौप्यस्फोटही महापौरांनी केलाय. तुकाराम मुंढे आज है कल नहीं है, लेकिन यहाँ आके तुकाराम मुंढे के खंधे पर बंदूक रख के राज्य सरकार ने जो भी अपना एजेंडा यहाँ पर चलाया, अंबेडकर स्मारक का काम रुकवा दिया है, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ था, कहाँ टेंडर निकाला था, वहाँ मुझे बताइए ना, टेंडर तो ओपन ही नहीं हुआ था. तो क्या एस्टिमेट कॉस्ट में आप भ्रष्टाचार करते हो क्या? तो कई हजार करोड़ के एस्टिमेट यहाँ पर राज्य सरकार ने बनाए हैं. तिथे दुसरीकडे सत्ता राष्ट्रवादीचे राजकीय प्रस्थ, त्याचबरोबर पक्षाचे सर्वेसर्वा गणेश नाईक यांच्या सोबतचे त्यांचे संबंध यावरही महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी परखडपणे भाष्य केले. मुंबई आवाजचे मुख्य संपादक जी मोहिउद्दीन जेडी यांच्याशी त्यांनी सीधी बात मधून संपूर्ण प्रश्नांची दिलखुलासपणे उत्तरे दिली. गणेश नाईक जी के साथ में मैं जो हूँ, लेकिन रामदास आठवले जी के साथ में भी मैं हूँ. रामदास आठवले जी यहाँ पर भाजपा के साथ में यहाँ पर हाथ से हाथ मिला के, लेकिन ये नहीं है कि गणेश नाईक के साथ में मैं गद्दारी करूँगा. जब गणेश नाईक जी ने मुझे मेयर बनाया है, तो मेयर होते हुए उस पार्टी का हित मैं देखूंगा. गणेश नाईक की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी पे चलने का प्रयास करूंगा. नई मुंबई आवाज ब्यूरो रिपोर्ट.